कुछ लगा, अच्छा लगा तुझे देख के यार। धन्यवाद भाई। छोटे छोटे बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहो, अच्छा करते रहो, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निकल जाएगा। तो पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले और कोली गांव से आप सभी का इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह नहा धो के भी रेडी हो चुके हैं और आजकल चारों तरफ जहाँ देखो फूल खिले हुए दिख रहे हैं। तो कुछ फूल जो है आपने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, कुछ आज देखेंगे, कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो चलो पहले नीचे खाना खाते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो जब बरसात के टाइम में मैं ब्लॉग बना रहा था तो यहाँ पे एक घुघुती ने घोंसला बनाया था जिसके बच्चे बड़े होके और फिर वो उड़ गए थे। तो अभी घोंसले के कुछ निशान रह गए हैं यहाँ पे, घोंसला रह गया और घुघुती और उसके बच्चे यहाँ से उड़ गए। और अभी घर के सामने आड़ू के पेड़ पे जो फूल आ रखे हैं इन पे भौंरे जो है बहुत ज़्यादा जो है बैठ रहे हैं, ये देखो। तो ये सब मधुमक्खियाँ हैं, शहद का प्रोडक्शन जो करती हैं। तो चैता को अब निकाला है दूध निकालने के बाद, रुक जा। और इसकी वजह से जो है हमने अपनी गाय सेल कर दी और ताकि इसी की अच्छे से मेहनत हो और ये जो है सही से दूध दे, तो इसलिए हमने गाय को निकाल दिया। अब जो है खाना खा के और तैयारी करेंगे जंगल जाने की और उसके बाद मुझे शाम को फिर से नीचे गांव में जाना है सोनी से मिलने। तो वो कह रही थी कि जितने लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया है, उसको आशीर्वाद दिया है, वो उन सबको थैंक यू कहना चाहती है। तो हो सकता है वो ब्लॉग आपको इसके बाद मिले या इससे पहले मिल चुका होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन रहती है। लगातार आप लोगों ने अपना प्यार और अपना सहयोग जो है उसके लिए दिखाया है और कई लोग आगे आए हैं उसकी मदद करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, ताकि उसको मोटिवेट किया जाए और उसको एक सही मंच तक पहुंचाया जाए। तो इसी सिलसिले में शाम को मैं नीचे गांव में जाऊँगा और एक वीडियो फिर से मिलेगी आपको सोनिया रावत के साथ। तो उससे पहले मैं अपने घर के काम धाम थोड़े निपटा लेता हूँ और फिर जो है चलेंगे नीचे। और यह वर्ण समारो जल्दी और बात और आज भीतर भी लिपनी है थोड़ा दीवार गंदी हो रही कानो। ये करना हुआ दिया लार बदले आएगा देख शर्म लग गया है। जरूर तो यहाँ से हमारी बकरियां शिफ्ट हो चुकी है गौशाला में और यहाँ ये सारे तख्ते जो है उनके नीचे थे, तो अब आज इनको साफ करके रखेंगे अमन आराम से। हम लोग आए रे दया बिच किले हम पे उठा रहे हो जाने। तो अब टाइम लग रहा है नीचे गांव में जाने का और सुबह से अपने काम वगैरह देखने पड़ते हैं घर में, काम धाम निपटा के। और अभी मेरी बात हुई थी सोनी से, वो भी गई थी कहीं,
तो सुबह से उसको भी टाइम नहीं था और अब जाके मुझे भी टाइम लगा है। हाँ तो ये देखो जो मेरी भेड़ बकरियाँ हैं सारी मैंने गौशाला में शिफ्ट कर ली है और अब यहाँ इनके लिए खुली जगह है तो ये यहाँ पे इजीली रह सकते हैं। ये है और यहाँ कुछ नमूने यहाँ चल रहे होंगे है ना, तो छक्की ना होंगी झोंकू। और अब यहाँ से फिर से मुझे वहाँ को जाना है जहाँ उनका घर है, तो अब मैं पहले जल्दी जल्दी निकलता हूँ और आज आपको दर्शन कराता हूँ, सैर कराता हूँ अपने पूरे गांव की, क्योंकि गांव से होते हुए जाऊँगा या आते टाइम गांव से आऊँगा, क्योंकि गांव में कई लोग लगातार मैसेज करते रहते हैं कि तुम जो है हमारे घर नहीं दिखाते या अपने गांव को नहीं दिखाते। तो कोली तली से जब मैं होते हुए जाता हूँ तब तो अपने गाँव के कुछ झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद आज मैं जा रहा हूँ कोली मल्ली से, तो वहाँ से जो है वहाँ की झलक दिखाते हुए लाऊँगा। और इधर दगड़ी जो सारी थी वह हम थोड़ा हार हारपन देखे बढ़ गया, यानी कि जो मौलारक टाइम चित्र जो चलनु चे और जगह जगह फूल पत्ता नए नए दिखेना ची, तो जो कि बढ़िया बात है, यानी बसंत ऋतु मौसम जो है फिर से आन उल। तो ये देखो यहाँ पे मेलों के फूल हो रखे हैं बढ़िया से, और ये सामने हमारा गांव नीचे, तो मुझे जाना है इस साइड को और यहाँ नीचे नहीं जाना है। तो ये है रास्ता जो नीचे गांव को निकल जाता है और मुझे शॉर्टकट यहाँ से ऊपर को जाना है, और वो सामने दिख रहा है उनका घर, तो वहाँ मुझे पहुँचना है। तो घर में तो अभी दिख नहीं रहे हैं, इधर उधर काम धाम पे लगे होंगे, मैं भी जाता हूँ जल्दी क्योंकि घर में मेरे भी कई काम हो रखे हैं आजकल। तो जब मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था संजू की शादी का, उस दिन भी मैं यहीं से गया था रिनौर के घर के रास्ते होते हुए। दादी नमस्ते। और ये मैंने दादी को कूदते हुए देखा इसलिए मैं यहाँ से आ गया। और पिछली वीडियो में प्रियंका ने कमेंट किया था कि थोड़ा हमारा घर दिखा देना। और क्या करना चाहो दादी? हल्दू है। ये देखो अपने खेत का शुद्ध हल्दी। और कक्षी दाज और देख हमारे दादी का निशाना बिल्कुल हम कूट जाओ तो इन्हें फंडे लग जाना, गारा गारा हो जाए। ओ चलो ठीक है दादी कोटा। ओ हाँ काटल भी होंगे देख हमारे दादी और हम भी होंगे कटना चाहिए। दादी और दादा ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलो क्या वीडियो बनाने को फुर्सत हम वही तो। हाँ परवा थे स्कूल में, स्कूल में थे तो परवा था। हाँ अब मैं तो पहुंचने वाला हूं सोनिया रावत के घर में, थोड़ी सी दूरी रह गई है तो ताकि आप लोग बोर ना हो जाए इसलिए गांव के नज़ारे दिखाते दिखाते ला रहा हूं। यहाँ से आगे का ब्लॉग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और ये है हमारे कोलरी मल्ली के सबसे ऊपर वाले घर, बाकी नीचे गांव की सैर कराऊंगा थोड़ी देर में। धन्यवाद अब चलते हैं दुकान में सामान लेने, सामान लेके निकलेंगे घर को,
ये देखो इन रास्तों पे काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इधर से आने जाने का और लगभग अंधेरा हो जाएगा घर जाते जाते। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि जब मैं सोनिया से मिलने आया ही था तो गाना क्यों नहीं सुनाया, तो वो गाना आपको अगले ब्लॉग में इसलिए सुनने को मिलेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ब्लॉग जो है स्पेशल रहे जिसमें सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और उनके गाने सुने जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज जितना प्यार और जितना सपोर्ट सोनिया को मिल रहा है उतना नहीं मिलता। तो दोस्तों सोनिया ने मुझे बताया कि इससे पहले वो एक बड़े चैनल पर जो है गा चुकी है और कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे जो गाने रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया को मौका नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं जो ब्लॉग उनके डालूंगा वो स्पेशली डालूंगा, तो वो उनको जो है हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो ये थे कुछ चलते चलते गांव के नज़ारे, और अब चलते हैं दुकान में सामान ले कर और निकलते हैं अपने घर के लिए क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये आजकल वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि घर के काम बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और एडिटिंग वगैरह का उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो जल्दी ही सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो डेली ब्लॉग आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।